देखो अभी जो हमने प्रॉब्लम्स देखी, जब किसी पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हमने निकाला, तो जितने भी उसके आसपास चार्जेस हैं उन सभी चार्ज का फोर्स निकाला और उसका वेक्टर सम किया, ठीक है। तो ये एक तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और प्रॉब्लम को देखने का एक और नजरिया है, ठीक है, दैट इज थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स से ही रिलेटेड ये क्वांटिटी है, और इस क्वांटिटी से कई सारे प्रॉब्लम जो है वो आसान बन जाते हैं, राइट। तो एक तरह से उसी प्रॉब्लम को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको अभी मैं डिफाइन करूंगा। पहले आप इस चीज को समझो, सही, यहां पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, ठीक, इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, राइट। मान लो इसके पास में मैं एक चार्ज लेके आया प्लस क्यू, तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा या नहीं? बिकॉज ऑफ दिस, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कूलम्स फोर्स पे फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। वो फोर्स डिपेंड करेगा कि आप इसके पास में ले जा रहे हो इसको या दूर रखा है, किस पॉइंट पे रखा है, उस पर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स इस चार्ज के आसपास कोई चार्ज आएगा, दूसरा चार्ज, तो उस पर फोर्स लगेगा। तो इसको ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज ने अपने अराउंड एक फील्ड सेटअप कर दिया है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी दूसरा कोई पॉइंट चार्ज आता है, तो वो पॉइंट चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो चार्ज का साइन क्या है और इस चार्ज से कितनी दूरी पर रखा हुआ है। समझ रहे इस चीज को? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है उसने अपने अराउंड एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना ली है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालना, तो ये इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस डाल रहा है दूसरे चार्जेस पर, और इसका इन्फ्लुएंस जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा कि ये कहां रखा है, इससे कितनी दूरी पर रखा है, किस डायरेक्शन में रखा है, उसके अकॉर्डिंग दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। इसी तरह का कॉन्सेप्ट दूसरे फोर्सेस के लिए भी है, जैसे ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड, एक मास रखा हुआ है, इसके आसपास कोई दूसरा मास आएगा तो ये उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि इसने अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड बना लिया, उस फील्ड में जो भी दूसरा कोई मास आता है तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट काफी हेल्पफुल है और काफी प्रॉब्लम्स को इजी बना देता है, ठीक है। तो अब हम ये समझ लें कि हर पॉइंट चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस बनाता है, और किसी भी पॉइंट पर लगने वाला जो फोर्स है वो उस इन्फ्लुएंस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप इस चीज को सोचो, मान लो एक पॉइंट चार्ज की जगह बहुत से चार्जेस रहे, तो यहां पर एक चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे बहुत से चार्ज हैं, और यहां पर मैंने एक चार्ज रखा Q, अब इस पर कितना फोर्स लगेगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा? तो Q1 का भी इन्फ्लुएंस होगा Q पर, Q2 का भी होगा, Q3 का भी होगा, Q4 का भी होगा, सबका इन्फ्लुएंस होगा। तो जो रिजल्टेंट इन्फ्लुएंस है वो वर्क करेगा यहां पर। तो मैं कहूंगा कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन चारों के फील्ड का वेक्टर सम होगा, या चारों के जो फील्ड है उनका रिजल्टेंट होगा, और वो रिजल्टेंट फील्ड ही इस पर वर्क करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारे आसपास बहुत से चार्जेस हैं, ठीक है, कुछ नोन भी है, अननोन भी है। तो ऐसे केस में हम कूलम फोर्स से टोटल फोर्स निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हेल्पफुल होगा मैं आपको बताऊंगा। बट आप इस चीज को समझो कि हमारे पास बस बहुत से चार्जेस हैं, वो सभी चार्ज पूरे स्पेस में अपना इन्फ्लुएंस बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर जो इन्फ्लुएंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सभी के कारण होगा, टोटल क्यूमुलेटिव होगा, और उसके कारण अगर वहां पर कोई पॉइंट चार्ज रखा है तो उस पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डिफाइन करूं, देखो स्पेस में कोई पॉइंट है पी, कहीं भी, फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में मैंने ये ले लिया पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किसके कारण होगा? इसके आसपास जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं सभी का इन्फ्लुएंस यहां पे होगा, ठीक।
तो मुझे बताना है कि एग्जैक्ट इन्फ्लुएंस क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, और उस चार्ज को पॉइंट पी पर रख देता हूं। टेस्ट चार्ज मतलब जिसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट वाले चार्ज को मैं यहां पर रख देता हूं, तो बाहर से लेके आया हूं, और यहां पर मुझे इन्फ्लुएंस निकालना है। आप सोचो जो टेस्ट चार्ज मैंने रखा है इस पर, इसके आसपास वाले सभी पॉइंट चार्ज फोर्स लगा रहे होंगे, तो इस पर कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स हमें निकालना है। ठीक है, तो मान लो बिकॉज ऑफ सराउंडिंग चार्जेस इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और उसकी वैल्यू है एफ। इस पर फोर्स लग रहा है एफ और इस डायरेक्शन में लग रहा है, इन दैट केस मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ई से डिनोट कर रहे हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज रेशियो ऑफ फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगा, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट, मतलब हम कह सकते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो ये भी प्लस होगा। इन दैट केस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो हम कहेंगे कि इस सिस्टम में जो भी चार्जेस हैं उन चार्जेस के कारण यहां पर जो इन्फ्लुएंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में होगा, और उसकी वैल्यू होगी F बाय क्यू नॉट के बराबर, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते। हमने इसको क्यों डिफाइन किया, ठीक है, और इसका क्या पर्पस है, ये अभी मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू समझाऊंगा। ठीक, बट इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, तो कहने का मतलब है हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये तो पी पर निकाला, ऐसे कोई और पॉइंट ए पर भी निकाल सकते हैं। टेस्ट चार्ज रख दो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और आसपास वाले जो चार्ज फोर्स लगाएंगे वो फोर्स निकाल लो, फोर्स और चार्ज का रेशियो ले लो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसकी डायरेक्शन जिस तरफ फोर्स होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ऐसे हमारे पास स्पेस में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो डिपेंड करेगा कि जो हमारे आसपास चार्जेस रखे हुए हैं उन चार्जेस की पोजीशन क्या है। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में उस पॉइंट की पोजीशन क्या है उस पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा। ठीक, सवाल उठता है हमने इसको ऐसे क्यों डिफाइन किया, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। यहां पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, राइट, यहां पर भी एक चार्ज है प्लस क्यू, राइट, इनके बीच की डिस्टेंस है ए टू है, और इधर भी ऊपर ए डिस्टेंस पर एक चार्ज रख देता हूं मैं प्लस क्यू। से मुझे बताना है कि इस प्लस क्यू पर टोटल कितना फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस टू चार्जेस, ये दोनों चार्ज कितना फोर्स लगाएंगे इस पर वो निकालना है। तो आप देख सकते हो प्लस प्लस रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स लगेगा प्लस क्यू पर इस डायरेक्शन में, ऐसे इनके बीच में भी रिपल्शन, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, तो प्लस क्यू पर ये दो फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, और उसका हम रिजल्टेंट ले लेंगे। ठीक है ना, इन दोनों फोर्स का हम रिजल्टेंट ले लेंगे। आप देख सकते हो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये इस डायरेक्शन में होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, अगर ये चार्जेस अलग अलग होते तो कहीं और टिल्टेड होता फोर्स, राइट। ये फोर्स कितना होगा ये अभी हम कूलम्स लॉ से बता सकते हैं, राइट।
तो टोटल फोर्स जो होगा ये दोनों फोर्स का वेक्टर सम होगा, कितना होगा देखो, ये डिस्टेंस है रूट टू है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉन्स्टेंट क्यू क्यू बाय टू ए स्क्वायर ए ए, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, इसका कॉस कंपोनेंट ऊपर की तरफ लगेगा रूट टू, ठीक, और दोनों को ऐड करना है। इन दैट केस जो टोटल फोर्स लगेगा वो लगेगा सी क्यू क्यू अपॉन रूट टू ए स्क्वायर, ये आप निकाल सकते हो, राइट। अब आप सोचो इसको कैसे लिखा जा सकता है, सी क्यू अपॉन रूट टू ए स्क्वायर इंटू स्मॉल। अब मुझे बताओ अगर इस प्लस क्यू की जगह मैं प्लस थ्री क्यू चार्ज रख दूं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये बताओ। तो यही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी थ्री क्यू के लिए, तो आप सीधे यहां थ्री क्यू लिख दो। इसका मतलब ये चार्ज बदलते हो तो ये एक्सप्रेशन जो है वो बदल जाएगा, बाकी का वही रहेगा। इसका मतलब यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, एक इस फैक्टर पर और दूसरा यहां पर जो बाहर से आपने चार्ज रखा है उस पर। तो फोर्स डेफिनेटली उस चार्ज पर डिपेंड करेगा और इनके कारण जो सिस्टम पर इफेक्ट पड़ रहा है या किसी पॉइंट पर इफेक्ट पड़ रहा है उस बात पर डिपेंड करेगा। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं किसी भी पॉइंट पर और इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग चार्जेस के इन्फ्लुएंस को कहते हैं और उनका इन्फ्लुएंस बाहर वाले टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मैं बाहर से लेके आया हूं, मैं तो सिर्फ इन चार्जेस का ही इन्फ्लुएंस निकालना चाहता हूं। तो इन चार्ज का इन्फ्लुएंस ये फैक्टर डिनोट कर रहा है, ये फैक्टर तो एक्सटर्नल चार्ज को डिनोट कर रहा है। तो ये फैक्टर जो है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम के इफेक्ट को शो कर रहा है उस पॉइंट, ठीक है। तो इस इफेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज को इधर ले आओ तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज अपॉन चार्ज, अरे बात समझ गया ना। इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया फोर्स जो लग रहा है टेस्ट चार्ज पर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब रहा सवाल हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों लिया, उसका कारण है क्योंकि अगर निगेटिव लेते तो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता, तो प्लस और माइनस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है फील्ड की जो इन्फ्लुएंस है उसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। इसलिए हमने पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की जो डायरेक्शन है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माना। इसके उल्टा भी माना जा सकता था बट ऐसा नहीं किया। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फोर्स अपॉन चार्ज से ही क्यों डिफाइन किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कितना होगा इसको कैसे निकाला जाएगा ये चीज मैंने आपको बता दी। अब इसके उल्टा अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है हमें। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। मान लो इस पॉइंट पर हमें एक चार्ज रख दिया Q, इस पर लगने वाले फोर्स को बताना है, ठीक है। तो अब सोचो यहां पर ये चार्ज रखा है बाहर से लेके आए, इसके आसपास जो चार्जेस होंगे उनका इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा, जिस इन्फ्लुएंस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा, ठीक है। और जहां भी इन्फ्लुएंस होगा वहां फोर्स लगेगा। मान लो कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, तो चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें फोर्स मिल जाएगा। सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय
a charge is equal to q into e. तो अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो आप आसानी से फोर्स निकाल सकते हो वहां पे, बस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, राइट? अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? प्लस है, तो एफ और ई पैरेलल हो जाएंगे, दैट मींस एफ और ई की डायरेक्शन सेम होगी. तो यहां पर E इस डायरेक्शन में है तो चार्ज पर लगने वाला फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है. इसके उल्टा अगर Q निगेटिव होता तो माइनस Q रखोगे तो उस केस में F और E अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है? एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे. इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और यहां पर अगर निगेटिव चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा Q इंटू ई, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज रखोगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो आप निकाल सकते, इंटू ई. इलेक्ट्रिक फील्ड का फायदा यह है कि फॉर एग्जाम्पल इस चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है, तो कूलम्स लॉ में प्रॉब्लम यह है कि आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम में कहां कहां चार्जेस हैं, तभी आप सभी चार्ज का फोर्स निकाल के वेक्टर सम करोगे. बट अगर आपको नहीं पता है डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या करोगे? तो उस केस में आप किसी स्पेस में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फोर्स निकालो, फोर्स अपॉन चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डिस्ट्रीब्यूशन पता है आपको तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज को मल्टीप्लाई करना है. तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम पहले से निकाल लेते हैं स्पेस में, और आपके लिए काम बहुत आसान है. फोर्स निकालने के लिए बस चार्ज को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका वो जो कम्बरसम प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रोसेस बार बार अप्लाई नहीं करना होगा. ऑलरेडी आपने पूरे सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है वो निकाल लिया, ठीक है? तो ये हमारे प्रॉब्लम्स को आसान बना.